राज्य में हमारी सरकार बन रही है और हम लोगों की जो जीत है वो शानदार जीत है और इस जीत के पीछे माननीय हमारे मोदी जी और माननीय हमारे योगी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। प्रियंका गांधी कह रही थी कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, क्या वो नारा वो फेल हो गया? वो सिर्फ नारा देती है, काम तो माननीय मोदी जी धरातल पर करते हैं। विकास को जो लाए जनता उनको लाई, मोदी योगी जी की जोड़ी फिर छाई है, मोदी योगी जी की जोड़ी फिर छाई है, भगवा धारी ने फिर भगवा लहराया है, भगवा धारी ने फिर भगवा लहराया है, काशी भी सजा दी है, योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, योद्धा भी सजा दी है, मथुरा को सजाने को बाबा फिर आए हैं। देखिए भाजपा कार्यालय में आज काफी उत्साहित हैं तमाम कार्यकर्ता और देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से मेरे पीछे जो बुलडोजर पर जो है तमाम कई संख्या में महिला हैं जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के और काफी उत्साहित हैं क्योंकि जिस तरीके से यूपी में योगी आदित्यनाथ जो हैं एक बार फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं उसको लेकर भाजपा ऑफिस में एक गर्मजोशी का माहौल है। होली मिलन समारोह की जा रही है और बुलडोजर बाबा के नाम से जो है बुलडोजर पर तमाम महिला जो हैं पहुंचे हुए हैं, शंखनाद हो रही है और देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से नज़ारा है, खुशी में लोग झूम रहे हैं, लगातार आवाज उठा रहे हैं। हम इनसे भी मिलेंगे। इसमें कहने की कोई बात नहीं, कहा जाता है प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं होती। हम लोगों को कितनी खुशी है, कितनी उमंग है वो आज प्रदेश कार्यालय से लेकर सड़कों तक दिख रही है और हम लोगों का जो ये खुशी है, ये खुशी का माहौल है, इसमें जो हम लोग जो रंग और गुलाल उड़ा रहे हैं, हम लोगों के लिए होली की शुरुआत आज से ही हो चुकी है। बुलडोजर पे आप लोग तमाम महिला हम लोग बुलडोजर चला के यूपी से आए थे। जीत गया बुलडोजर, मर गया। और हम लोग ये भी साबित कर रहे हैं कि बुलडोजर से कचरा साफ हो रहा है और उसके पीछे कमल खिलता हुआ आ रहा है। होली मिलन समारोह की बात कर रहे हैं और एक तरफ होली भी बहुत जल्द आने वाला है, योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बने, कैसा? प्रचंड रूप से चार राज्य में हमारी सरकार बन रही है और हम लोगों की जो जीत है वो शानदार जीत है और इस जीत के पीछे माननीय हमारे मोदी जी और माननीय हमारे योगी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा और हम लोग सारे कार्यकर्ता कर्मठता के साथ बिहार से यूपी जाकर काफी मेहनत की और हम लोगों ने वहाँ पे जाके झंडा लहराया और कमल का फूल होली खेल रहे हैं आप लोग? जी हाँ बिल्कुल, खुशी का जश्न के साथ हम लोगों की होली की शुरुआत आज ही हो गई। देखिए लगातार जो है बुलडोजर पर सवार तमाम जो है महिला है भाजपा कार्यालय में और काफी उत्साहित है, खुशी का माहौल बना हुआ है। तो जिस तरीके से आज कई राज्यों में जो है भाजपा की जीत हुई है और जीत की बात जो है अब दिखने लगा है बिहार में भी, बिहार में भाजपा कार्यालय में जो दृश्य आपको दिखा रहा चाह रहा हूँ वो आप तस्वीर देखिए कि किस तरीके से लोगों के अंदर में उत्साह है, किस तरह से खुशी है और किस तरह से होली आने वाला है। लेकिन उससे पहले ही होली का आज जश्न जो है बहुत जबरदस्त तरीके से मनाया जा रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ कार्यकर्ता हूं और अयोध्या राम मंदिर में शिलान्यास भी की हूं, 5 फीट जोड़ी हूं, कार सेवा की हूं। मैं आज अपने माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से, नरेंद्र मोदी जी से और आदित्यनाथ योगी जी से मांग करूंगी कि जगदीशपुर वीर कुंवर सिंह की नगरी है जिसके परिवार को मैं पत्रबद्ध हूँ, वहाँ वह नगरी उपेक्षित है, उस जगदीशपुर गढ़ को वीर कुंवर सिंह के गढ़ को पर्यटन स्थल के रूप में वो घोषित करें। यही सबसे बड़ा देश के लिए सम्मान होगा और जीत होगी और मैं प्रभु राम की सेवा करके आई हूँ अयोध्या में और प्रभु राम की तरह ही माननीय मोदी जी और आदित्यनाथ योगी जी को देखती हूँ और हमेशा नमन करती हूँ। जय श्री राम।
मैं उषा दुबे बक्सर से हूँ, बनारस में काम की थी। हम लोगों को पहले भी उम्मीद थी कि हमारी यूपी में योगी की सरकार बनेगी, और योगी की सरकार बनी। जो हम लोग की उम्मीद थी वह उम्मीद पूरी हुई। बनारस में हम लोग काम किए, आठों की आठों हमारे विधानसभा में भगवा लहर गया है। यही हम लोगों की उम्मीद थी, आशा थी। जय श्री राम। बीजेपी के तीन चार जगहों से जो है जीत दर्ज मिली है, हर एक मतलब कई ऐसे राज्यों में, क्या खुशी की लहर है आज? बिल्कुल, लहर क्या ललकार थी और ललकार है। योगी जी की दरकार थी, आज भी योगी जी की दरकार है, और यूपी की जनता ने पूरे दोनों हाथों से योगी जी को आशीर्वाद दिया है पुनः यूपी में भगवा लहराने को, और पुनः भारत माता का सिरमौरे बनने को, और भारत माँ की रक्षा करने को। पुनः प्रियंका गांधी कह रही थी कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, क्या वो नारा वो फेल हो गया क्या? वो सिर्फ नारा देती हैं, काम तो माननीय मोदी जी धरातल पर करते हैं। यूपी की महिलाओं से जाके पूछिए कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का असली नारा देने का हकदार किस पार्टी को है, किस पार्टी के लोगों द्वारा यह किया गया। उज्ज्वला योजना से लेकर जितनी भी योजनाएं, जनधन योजना, जितनी भी योजना मोदी जी ने चलाई, महिलाओं के पक्ष में चलाई, आज हर महिला सशक्त है, समृद्ध है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। आज मतलब होली आने वाला है, उसको लेकर आज जो है काफी उत्साह है। आप यहाँ भाजपा कार्यालय में आप लोग होली मिलन समारोह भी कर रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग अगर आज के जैसे दिन हम लोगों को ये जीत मिलती है तो हमारे लिए आज भी होली, आज भी दिवाली, आज भी सब कुछ हम लोग मनाते हैं। और ये जश्न का की तैयारी हम लोग पहले से कर चुके थे, बस आज तो आगाज हुआ है, अंजाम तो अभी और बाकी है, ये तो झांकी है। मैडम, इस जीत को किसी गाने के माध्यम से परोसना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं तो सुबह से ही गा रही हूँ, विकास को जो लाए जनता। विकास को जो लाए जनता उनको लाई, मोदी योगी जी की जोड़ी फिर छाई है, मोदी योगी जी की जोड़ी फिर छाई है, भगवाधारी ने फिर भगवा लहराया है, भगवाधारी ने फिर भगवा लहराया है, काशी भी सजा दी है, योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, योद्धा भी सजा दी है, मथुरा को सजाने को बाबा फिर आए हैं, मथुरा को सजाने को बाबा फिर आए हैं। देखिए, मथुरा को सजाने को फिर बाबा फिर आए हैं, ये भाजपा कार्यालय में मैं हूँ, और लगातार कई ऐसे महिला हैं जो खुशी से झूम उठी हैं, और भाजपा कार्यालय में बुलडोजर बाबा के नाम से योगी आदित्यनाथ का जो है बुलडोजर पर सवार होकर महिला पहुंची हुई हैं, और लगातार जोश में उत्साह में जो है होली आने वाला है उसको लेकर भी होली का मिलन समारोह भी की जा रही है। और ये कह रहे हैं कि योगी जी, बिल्कुल हम लोग को इतना पता था कि योगी जी दोबारा फिर मुख्यमंत्री के रूप में आएंगे, और जिन्होंने जिस तरीके से योगी जी ने काम किया है कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है, और कई राज्यों में भाजपा की सरकार बनने वाली है, इसको लेकर भी बिहार के भाजपा कार्यालय में काफ़ी जोश उत्साह और लोगों में खुशी की लहर बनी हुई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।